ऐसी एक इंटरेस्टिंग खबर पूरी डिटेल्स लेकर आई है देवांशी हमारे साथ कि आईटीसी मौर्य को बाल काटना महंगा पड़ गया किसी के, और बाल काटने के बाद उन्हें देने पड़े 2 करोड़ रुपए। देवांशी बताइए क्या है पूरी खबर। दरअसल अनिल से जब मैंने ये पूरी स्टोरी पढ़ी, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आया कि 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन किसी सलून ने कैसे दिया, क्योंकि हम भी काफी बार सलून जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस अगर हम किसी भी महिला के लिए होती है तो वो एक हेयर कट की होती है। और जब मैंने ये पूरी कहानी पढ़ी तो मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो गया कि ये कैसे किसी के साथ हो गया। आप देखिए, आईटीसी मौर्य को एक्चुअली ये हेयर कट काफी महंगा पड़ा। दरअसल 2018 की ये बात है जब एक महिला आईटीसी मौर्य में गई थी उस सलून में अपना हेयर कट करवाने, और उन्होंने काफी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे अपने हेयर स्टाइलिस्ट को। उन्होंने ये कहा कि नीचे से, यानी कि इनके जो हेयर है उनके बॉटम से 4 इंच इनके बाल काटे और फ्लिक्स कर दे। लेकिन ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलती हो गई हेयर स्टाइलिस्ट से। उन्होंने उनके सारे बाल चॉप कर दिए और सिर्फ 4 इंच बाल रखे, तो यानी कि एक ब्लंट कट कर दिया उनका, बॉब कट कर दिया, और इसी के चलते वो मेंटल ट्रॉमा में चली गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हुए दिखे वो काफी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से थी महिला, तो उन्होंने उनके जो मैनेजर हैं उनसे कंप्लेन की, लेकिन वहां से भी बहुत ज्यादा अच्छे से बात नहीं की गई उनसे। और उसके बाद उन्होंने आईटीसी के सीईओ को ये कंप्लेन कर दी थी। साथ ही जो आईटीसी का सलून है उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हमसे गलती हो गई तो हम आपको चार्ज नहीं करेंगे, और बदले में हम आपको हेयर एक्सटेंशन सर्विस भी दे देंगे। उन्होंने हाँ कहा, और हेयर एक्सटेंशन सर्विस करवाने के बाद उनका जो स्कैल्प है और उनके जो बाल हैं वो बुरी तरह से डैमेज हो गए, और इसी के चलते ये इवेंट आपको देखने मिला जहां पे उनको इतना महंगा हेयर कट आईटीसी मौर्य को होता हुआ दिखा या कंपनसेशन पे करना पड़ा। अब 2 करोड़ का फिगर क्यों आया, क्योंकि आप देखिए वो एक मॉडल थी जो वेल नोन ब्रांड्स के लिए काफी ज्यादा मॉडलिंग करती थी, और इस इवेंट के बाद उनका जो करियर है या इनकी जो असाइनमेंट्स है उन पर सबसे ज्यादा असर होता हुआ दिखा। अच्छा। उनकी स्कैल्प भी डैमेज होते हुए दिखे, बाल डैमेज हो गया, और इसी के चलते 2 करोड़ का जो कंपनसेशन है वो आईटीसी को भुगतना पड़ा था। यार कोई मेरे साथ भी ऐसा करे सच्ची में, मेरे कोई घर की खेती उग जाएगी 2-3 महीने में, कहा जाना। ध्यान से आपके साथ कोई करे, आप भी तो जानी मानी टीवी स्टार है, एंकर है एकदम, आपको मजा आ जाएगा। नहीं सब, मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने आपको पहले कहा कि ये कहानी सुन के और जब मैंने पढ़ा ये सीरीज ऑफ इवेंट्स मुझे दुख हो गया कि ये नहीं हो सकता, ये सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस होती है। हम कितने भी पैसे देने के लिए, मुझे लगा महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो आईब्रोज करवाने की होती है, आज पता चला बाल कटवाना आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके वो भी देवांशी, आशीष सर कुछ आपसे बड़ा आसान सा सवाल पूछना चाहते हैं। जी आशीष पूछिए पूछिए। देवांशी आपने जैसे बताया कि वो मॉडल थी इसलिए 2 करोड़, तो पार्ट टाइम एंकर हो तो उसका क्या रेट है, उसका क्या कॉम्पनसेशन रेट है, बता दीजिए सर। मुझे तो मतलब अगर आपके पास रेट कार्ड है कि एंकर का क्या, पार्ट टाइम एंकर कंपनसेशन था अगर बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब ये किसी भी महिला के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और 2 करोड़ तो काफी कम कंपनसेशन उन्होंने मांगा है वैसे। हे भगवान, इसको तो कोई वो मोर्चा बनाओ, ऐसा महिला मुक्ति मोर्चा टाइप, और उसका अध्यक्ष बनाया जाए। देवांशी को 2 करोड़ भी कम लग रहे हैं। देवांशी वाह, जय हो, बजिया आईटीसी 2 करोड़ देखे। सर मुझे लगता है कि ये आईटीसी पे मतलब ये बिजनेस मॉडल ना बन जाए, पता चले बाहर देखो लाइन लगी पड़ी है लोगों की, किसी गलती हो जाती है। मैं पूरा तैयार हूँ भाई सारे एकदम, हम बिल्कुल वो कंप्लीट अमरीशपुरी कोई प्रॉब्लम वी आर रेडी।